किस तरह से आप लोग बिना महंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्च किए अपनी जो कैल्शियम की कमी की समस्या है उसको दूर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको जैसे कि कमर में दर्द रहता है, नस चढ़ जाती है, या और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स जिनके बारे में आपको अभी मैं आगे जो है बताने वाला हूँ। तो वो लोग बस प्रॉब्लम का पता लगा नहीं कि सोल्यूशन ढूंढने तुरंत शुरू कर देते हैं, और सोल्यूशन भी इस तरह का ढूंढते हैं कि मान लो जो उनके दोस्तों ने या फिर ऐसे लोगों ने बताया होता है जिनको उस चीज़ के बारे में दूर दूर तक किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं होती। जैसे उनका कोई ऐसा चाय वाला फ्रेंड या किराने वाला फ्रेंड उनको उस चीज़ के सप्लीमेंट के बारे में बता देगा जिसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि कैल्शियम की ज़रूरत अक्सर ज़्यादातर लोगों के अंदर जिनके अंदर कमी होती है उनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लक्षण क्या दिखाई देंगे अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो आपको कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देंगे कि आपको पता लगेगा कि आपको कैल्शियम की कमी है। सबसे पहले आपकी कमर में दर्द रहने लगेगा, इसके बाद आपको शरीर के किसी भी अंग की नसें चढ़ने लगेंगी, चाहे वो हाथ पैर में हो या फिर कहीं पे भी गर्दन की नस चढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि नस चढ़ी हुई है, वो पैर सीधा नहीं होगा। इसके अलावा जो नंबनेस है वो आपको महसूस होने लगेगी, थकावट बहुत ज़्यादा लगेगी, मतलब बार बार लगेगा थोड़ा सा काम करने के बाद कि आपका जो शरीर है वो बहुत थका हुआ है। अक्सर बाल झड़ने की शिकायत भी कई बार कैल्शियम की वजह से लोगों को हो जाती है। एक बहुत ही कॉमन सिम्टम देखा जाता है लोगों के अंदर जब कैल्शियम की कमी होती है कि उनके शरीर के ऊपर सफ़ेद चकते पड़ जाते हैं छोटे छोटे। यंग एज में अक्सर जब बच्चे दांत निकालते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं थोड़े से, तो उनके आप देखोगे कि शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाग पड़ जाएंगे सफ़ेद कलर के। तो आपके घर वालों में कई बार बहुत लोगों से सुना भी होगा कि तेरी गाल पर दाग पड़ा हुआ है, लगता है तुझे कैल्शियम की कमी हो गई है। दांतों में ज़्यादा पीलापन नज़र आएगा और साथ ही साथ आपको दांतों में कमजोरी भी महसूस होगी। कोई भी चीज़ आप तोड़ने की कोशिश करोगे, दांत के साथ चबाने की कोशिश करोगे, तो आपको दांतों में एक सेंसिटिविटी महसूस होगी। तो ये सारे लक्षण हैं। इसके अलावा घुटनों में से, जो अक्सर लेडीज़ में ये चीज़ देखी गई है कि घुटनों में से टकटक की आवाज़ आती है या फिर घुटनों में अक्सर दर्द रहने लग जाता है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपके शरीर के अंदर हो सकता है कि कैल्शियम की कमी हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैल्शियम के सप्लीमेंट होते हैं जो आप लोग बाहर से खरीदते हो, वो चाहे महंगा हो या सस्ता हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर जो कैल्शियम है सप्लीमेंट हैं वो आपके शरीर में घुलते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है शरीर में घुलने के लिए, तो वो जल्दी से घुल नहीं पाते हैं। और अगर आप ज़्यादा कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हो तो फ़ायदे की बजाय आपको वो नुकसान भी कर सकता है। ग्लूकोमा हो सकता है, आँखों के अंदर रतौंधी की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों के अंदर आगे की तरफ आपको सफ़ेद रंग का हिस्सा दिखाई देगा, सफ़ेद बन जाएगा, आपकी जो पुतली होती है काली वाली वो सफ़ेद होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अक्सर एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है कैल्शियम की अधिकता से, जिसको कि हम लोग पथरी की शिकायत बोलते हैं, पथरी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो ध्यान रखिए बिना वजह के आप कैल्शियम जो है वो मत लीजिए। और सबसे अच्छा सोर्स जो है कैल्शियम का वो फ्रूट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके अलावा आप लोग धूप में जाकर के थोड़ा सा धूप में काम कर सकते हो या धूप में सैर कर सकते हो। अगर आप, जो लोग धूप में बिल्कुल नहीं निकलते हैं ना, उनको अक्सर ये विटामिन डी की कमी हो जाती है। आपको पता नहीं होगा शायद, जो आजकल जो अमीर लोग हैं ना, वो जब धूप में नहीं निकलते तो उनके अंदर, शरीर के अंदर ये विटामिन डी की कमी सबसे ज़्यादा आती है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जब कुदरत आपको फ्री में एक चीज़ दे रही है तो क्यों उसके लिए आप हज़ारों रुपया खर्च कर रहे हो। जाओ जाकर के थोड़ी देर धूप में बैठो, गर्मी है या सर्दी है थोड़ा काम कर लो, बागवानी कर लो, बगीचे में चले जाओ, कुछ लेने के लिए मार्केट चले जाओ यार, धूप में कुछ नहीं होने लगा है। इस तरह के काम करने की बजाय आप लोग जो है महंगे महंगे सप्लीमेंट खरीदने लग जाते हो, और वहीं पे ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आपको बेवकूफ़ बनाने का काम करती हैं, और फिर उनको हौसला मिलता है जब आप खरीदते हो तो फिर वो और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। उससे अच्छा है जब सुबह उठो ना, तो 2 चम्मच 4 चम्मच दही लेकर के उसमें एक चुटकी बिल्कुल चूने की डाल लो,
जो खाते हैं ना पान के ऊपर लगा करके, वो बिल्कुल एक चुटकी चूने की डाल करके, कोई मरने नहीं लगा यार चूना खाने से। अक्सर पान की दुकान के अंदर आप जाके देखोगे ना, तो चूना भर भर के पान के अंदर लगाते हैं, वो कत्था लगाते हैं, चूना लगाते हैं, क्या क्या होता है उन लोगों को, कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता है। आप लोग चूना थोड़ा सा दही में डाल करके अपने शरीर की हेल्थ को ठीक करने के लिए खा रहे हो, कुछ भी नहीं होगा यार। इतना ज्यादा नहीं खाना है कि आपको नुकसान कर जाए, बस एक चुटकी भर तो लेना है, उतना सा चूना लेकर के दही में डाल करके खा लो, आपकी कैल्शियम की सारी समस्या दूर हो जाएगी। क्यों खर्च कर रहे हो इतना ज्यादा पैसा, जब आपको इतने इतने कम बजट में आपका जो है फ्री में लगभग आपका जो काम है वो चल रहा है, तो फिर क्यों ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो? ये चीज का ध्यान रखो। मेरे मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा आपको मेरी साउंड से लगा होगा कि शायद मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ या गुस्से से बोल रहा हूँ, लेकिन भाई मैं सही कह रहा हूँ। आजकल जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो इतना ज़्यादा, जो आज की जनरेशन है उसको इतना ज़्यादा गुमराह कर दिया है कि उनको लगता है कि बिना सप्लीमेंट के तो वो बड़े ही नहीं हो सकते। टीवी वाले एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो ये सप्लीमेंट लो, आपके बच्चे की हाइट बढ़ानी है तो ये सप्लीमेंट लो, बुढ़ापा आ गया है तो ये वाला सप्लीमेंट लो। भाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुराक को सही करो, आपके शरीर की हर चीज़ जो है, हर समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। इतने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस अगर आप हो तो थोड़ी जॉगिंग कर लिया करो, थोड़ी जंपिंग कर लिया करो। जब आप इस तरह से करते हो तो आपकी जो बोन की डेंसिटी होती है ना वो बढ़ जाती है, बोन्स के अंदर ताकत आती है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। जब आप थोड़ी जंपिंग करते हो, आप थोड़ा घूमते हो, सैर करते हो, जॉगिंग करते हो, रनिंग करते हो, तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम जो है ऑटोमेटिकली बाइंड होने लग जाता है, हड्डियों के अंदर वो मजबूत बना देता है उनको। तो यार थोड़ी वीडियो जरूर मेरी लंबी हो गई है, लेकिन ध्यान दो यार इन चीज़ों के ऊपर, फालतू के पैसे खर्च करके इन बड़ी बड़ी कंपनियों को एनकरेज मत करो कि वो आने वाली जनरेशन को बिल्कुल खराब कर दें, बिल्कुल बेकार कर दें, लाचार कर दें, उनके ऊपर डिपेंडेंट कर दें, ठीक है ना? तो अगर वीडियो अच्छी लगी है यार तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं लगातार बनाता रहता हूँ। एक नई वीडियो लेकर के जल्द ही फिर से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।